हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th चैप्टर 3rd सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। इस चैप्टर में हम बेसिकली फाइबर्स और प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे कि फाइबर और प्लास्टिक क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है हमारे पास सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स को आर्टिफिशियल फाइबर्स भी कहते हैं क्योंकि ये मैनमेड फाइबर्स होते हैं। फाइबर्स दो तरह के होते हैं, एक तो नेचुरल और एक सिंथेटिक फाइबर। नेचुरल में जो हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हों, और सिंथेटिक फाइबर्स जिनको ह्यूमंस ने मेड किया हो, मतलब बनाया हो। सिंथेटिक फाइबर्स आर कॉल्ड आर्टिफिशियल फाइबर और मैनमेड फाइबर्स बिकॉज दे आर कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमंस। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे सिंथेटिक फाइबर्स के? नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर्स, और ये जितने भी सिंथेटिक फाइबर्स हैं ये सब क्या हैं? पॉलीमर्स हैं। अब एक नया टर्म आया है, पॉलीमर। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जानेंगे कि पॉलीमर्स क्या होते हैं। पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। ये बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो छोटी छोटी स्मॉल यूनिट से बने हुए होते हैं। दीज आर मेड बाय मोनोमर यूनिट्स। इनको हम बोलते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट को हम मोनोमर यूनिट्स कहते हैं। जैसे हम एग्जांपल से समझते हैं, प्रोटीन्स हैं। प्रोटीन्स क्या हैं? पॉलीमर है, मतलब वो किसी न किसी स्मॉल यूनिट से बने हुए हैं। प्रोटीन्स जो होते हैं वो अमाइनो एसिड से बने होते हैं। तो यहाँ अमाइनो एसिड क्या है? मोनोमर यूनिट है, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट है। छोटे छोटे स्मॉलेस्ट यूनिट से मिलकर कोई बड़ा मॉलिक्यूल बनता है तो उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमर। जैसे डीएनए, डीएनए भी एक पॉलीमर है क्योंकि वो छोटे छोटे मोनोमर यूनिट न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ होता है, इसलिए ये भी क्या हुआ? पॉलीमर हुआ। अब हम देखते हैं कि पॉलीमर को कैसे क्लासिफाई किया गया है। ये तीन तरह से क्लासिफाई किया जाता है, नेचुरल पॉलीमर, सिंथेटिक पॉलीमर और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। नेचुरल पॉलीमर्स वो होंगे जो डायरेक्ट हमें नेचर से मिलते हो। सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होंगे जो नेचुरल और सिंथेटिक दोनों का मिक्सचर हो। सिंथेटिक पॉलीमर्स वो होंगे जो मैनमेड हो, मतलब इंसान द्वारा बनाए गए हो। पॉलीमर इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड। पॉलीमर दो वर्ड से बना है, पॉली और मर। पॉली का मतलब होता है मैनी, मतलब बहुत सारी, और मर का मतलब होता है सिंगल यूनिट, मतलब बहुत सारी सिंगल यूनिट से मिलकर बना हुआ है। ये एक चैन जैसे स्ट्रक्चर होती है जिसको पॉलीमर्स कहते हैं। दिस लॉन्ग चैन ऑफ अ स्मॉल यूनिट्स अटैच टू ईच अदर इज कॉल्ड पॉलीमर। सिंथेटिक फाइबर्स आर ऑल्सो पॉलीमर्स इन विच ईच स्मॉल यूनिट इज़ अ केमिकल सब्सटेंस। सिंथेटिक फाइबर्स भी क्या हैं? पॉलीमर्स हैं, क्योंकि ये भी स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं। तो हमने पढ़ा कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं। सिंथेटिक फाइबर्स आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं क्योंकि ये इंसानों द्वारा बनाए गए होते हैं। इनके कुछ टाइप्स और प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे रेयन, नायलॉन, आर्लॉन, डेक्रोन, ये सब क्या हैं? सिंथेटिक फाइबर्स हैं। इनको हम पढ़ेंगे और इनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर है हमारे पास रेयन। रेयन एक आर्टिफिशियल सिल्क भी है, इसको हम आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं। इसकी मोनोमर यूनिट क्या है, मतलब ये किससे मिलकर बना हुआ होता है? यह सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। जो कहाँ से मिलते हैं हमें? प्लांट से मिलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क, और इसकी मोनोमर यूनिट क्या होगी? सेल्यूलोज होगी। सेल्यूलोज इज ऑब्टेंड फ्रॉम प्लांट्स। सेल्यूलोज हमें प्लांट से मिलता है। रेयन इज़ अ वेरी सिमिलर टू नेचुरल फाइबर। ये सिमिलर होता है कुछ कुछ नेचुरल फाइबर से। रेयन इज़ चीपर, मतलब कि ये लेस एक्सपेंसिव होता है, सस्ता होता है नेचुरल फाइबर के कंपैरिजन में। रेयन फाइबर और कॉटन फाइबर को मिक्स करके बेडशीट्स, कारपेट्स ये बनाए जाते हैं, और रेयन का यूज़ किस में होता है? क्लोथ्स बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। रेयन का यूज़ क्लोथ्स बनाने में, क्योंकि ये फाइबर्स जैसे होते हैं, और थ्रेड्स वगैरह बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर है नायलॉन। नायलॉन इज़ अ पॉलीमर बिकॉज इट इज़ मेड बाय टू मोनोमर यूनिट्स, एडिपिक एसिड एंड हेक्सामेथिलीन डाइअमाइन।
नायलॉन दो यूनिट से मिलकर बना होता है एडिपिक एसिड और हेक्सामेथिलीन डाईएमाइन से मिलकर बना होता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। ये एक कंप्लीट सिंथेटिक फाइबर होता है और इसका नायलॉन का दो एग्जांपल होते हैं नायलॉन 6 और नायलॉन 66। नायलॉन 66 जो है वो एक फर्स्ट आर्टिफिशियल मैनमेड पॉलीमर है, मतलब सबसे पहले यही सिंथेटिक फाइबर बना था। यहाँ पर एक खास बात है कि नायलॉन जो वर्ड है वो न्यूयॉर्क और लंदन से मिलकर बना है, क्योंकि इन्हीं दो जगह पर सबसे पहले इसको बनाया गया था और यूज़ किया गया था। नायलॉन फाइबर इज़ ए स्ट्रॉन्ग रिंकल फ्री एंड लाइट वेट। ये एक स्ट्रॉन्ग फाइबर होता है और इसमें रिंकल्स नहीं होते हैं और वेट में ये बहुत हल्के होते हैं। इट इज़ लस्ट्रस एंड ईजी टू क्लीन। लस्ट्रस मतलब क्या होता है? जिसमें चमक होती है और इनको आसानी से साफ भी किया जा सकता है। शाइनी प्रॉपर्टी के कारण इसको क्लोथ्स बनाने में यूज़ किया जाता है। स्ट्रॉन्ग नायलॉन फाइबर इज़ यूज्ड इन मेकिंग पैराशूट एंड रॉप्स। स्ट्रॉन्ग नायलॉन का यूज़ पैराशूट और रस्सियाँ बनाने में किया जाता है, जैसे सॉक्स, टूथब्रश, टेंट, स्लीपिंग बेड और कर्टेंस, इन सब का भी नायलॉन से ही बनाया जाता है। नायलॉन से टेंट भी बनाए जाते हैं। ये सभी एग्जांपल्स नायलॉन फाइबर के हैं, जैसे सीट बेल्ट, रॉप, स्लीपिंग बैग, हॉर्स, टर्पोलिन, डेंटल फ्लॉस, ये सब नायलॉन फाइबर्स से बने होते हैं। नेक्स्ट फाइबर है अर्लोन। दिस इज ऑब्टेंड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ एसीटोनाइट्राइल। इसको एसीटोनाइट्राइल पर पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस होती है तब ये हमें मिलता है। दिस फाइबर इज सिमिलर टू वुलन फाइबर। ये वुलन फाइबर के जैसा ही है और इसका यूज क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट फाइबर है डेक्रोन फाइबर। दिस इज अ पॉलीमर ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल एंड टेरेप्थेलिक एसिड। ये दो चीज़ों से मिलकर बना है, एथिलीन ग्लाइकोल और टेरेप्थेलिक एसिड। दिस फाइबर इज ऑल्सो यूज इन मेकिंग क्लोथ्स। इसका यूज भी क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। दिस इज ऑल्सो नॉन एज पॉलिस्टर। इसको कॉमन लैंग्वेज में पॉलिस्टर भी कहा जाता है। फर्स्ट टाइम इसका यूज़ इंग्लैंड में हुआ था। इट इज़ यूज इन मेकिंग हेलमेट्स। हेलमेट्स क्या होते हैं? जल्दी से टूटते नहीं है, ना ही इनमें जल्दी से आग लगती है, इसलिए ये किससे बने होते हैं? डेक्रोन से। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दिस फाइबर डू नॉट रिंकल ईजीली। इस फाइबर से बने हुए क्लोथ्स जल्दी से ख़राब नहीं होते हैं, ईजी टू वॉश एंड ड्राई क्विकली, और जल्दी से वॉश भी हो जाते हैं और सूख भी जाते हैं, क्योंकि पानी को बहुत कम अब्जॉर्व करते हैं। अब हम सिंथेटिक फाइबर्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। फर्स्ट है सिंथेटिक थ्रेड्स जो होते हैं, धागे जो होते हैं, वो बहुत शाइनी और सॉफ्ट होते हैं। बग्स डू नॉट डैमेज द क्लोथ्स मेड फ्रॉम दीज फाइबर्स, और इनको आसानी से डैमेज नहीं किया जा सकता। सिंथेटिक फाइबर्स आर ईजी टू यूज़। इनका यूज़ बहुत ईजी होता है और ये लेस एक्सपेंसिव होते हैं, बहुत सस्ते होते हैं, एंड ईजी टू वॉश एंड ड्राई। इनको धोना और सुखाना बहुत आसान होता है। सिंथेटिक थ्रेड्स अब्जॉर्व लेस वाटर एंड ड्राई फास्टर, और ये कम पानी को अब्जॉर्व करते हैं और जल्दी से सूख भी जाते हैं, और इनको रेगुलर आयरन की ज़रूरत भी नहीं होती है। कॉटन इज़ द किंग ऑफ नेचुरल फाइबर्स। कॉटन हमें नेचर से मिलता है, इसलिए ये क्या है? नेचुरल फाइबर है। ये नेचुरल फाइबर्स का किंग होता है क्योंकि मोस्टली यूज़ किया जाता है। फ्लैक्स इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर एवर डिस्कवर्ड। अब तक जितने भी नेचुरल फाइबर्स को खोजा गया है उसमें से फ्लैक्स फाइबर जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले नायलॉन फाइबर खोजा गया था, ये 1938 में खोजा गया था। चाइना इज स्टिल द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर एंड एक्सपोर्टर ऑफ सिल्क इन द वर्ल्ड। चाइना कंट्री जो है वो सबसे ज़्यादा सिल्क को मैन्युफैक्चर मतलब बनाती है और एक्सपोर्ट करती है। माइक्रोफाइबर और अल्ट्रास्यूड वॉज इन्वेंटेड ओवर 20 ईयर्स अगो इन जापान। जापान में 20 साल पहले माइक्रोफाइबर और अल्ट्रास्यूड नाम के फाइबर को खोजा गया था या बनाया गया था। ये सबसे थिनेस्ट फाइबर्स होते हैं अभी तक। ये हमारे हेयर से 100 times ज़्यादा पतले होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास प्लास्टिक्स।
प्लास्टिक्स क्या होते हैं? द आइटम यूज इन आवर डेली लाइफ लाइक बकेट, टूथब्रश, कंटेनर, बॉटल्स, ये सब क्या हैं? प्लास्टिक हैं। कुछ ऐसे प्लास्टिक्स हैं जो सॉफ्ट हैं, कुछ हार्ड प्लास्टिक्स होते हैं। प्लास्टिक क्या होते हैं? स्मॉल कार्बन मॉलिक्यूल यूनिट्स कंबाइन टू फॉर्म अ हायर मॉलिक्यूल वेट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड प्लास्टिक। प्लास्टिक्स जो हैं वो कार्बन मॉलिक्यूल्स के छोटे छोटे यूनिट से मिलकर बने हुए होते हैं जिनका हायर मॉलिक्यूलर वेट होता है, जैसे बेकेलाइट, पॉलीथीन, टेफलोन, पीवीसी, जिसको पॉलीविनाइल क्लोराइड कहते हैं। ये सब प्लास्टिक्स के एग्जाम्पल्स हैं। प्लास्टिक भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है क्योंकि ये नेचर से नहीं मिलता है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लास्टिक्स, प्लास्टिक मेनली दो टाइप के हैं, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। फर्स्ट है थर्मोप्लास्टिक, दोज प्लास्टिक्स विच इज इजीली गेट सॉफ्ट ऑन हीटिंग, जिनको गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाए, और जब इन्हें ठंडा किया जाता है तो ये हार्ड हो जाते हैं। इसी प्लास्टिक को क्या बोलते हैं? थर्मोप्लास्टिक। दे कैन बी मोल्डेड मैनी टाइम्स इंटू डिफरेंट शेप्स। इसका मतलब है कि हम इनको अलग अलग शेप्स में बार बार चेंज कर सकते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? पॉलीथीन, पॉलीस्टराइन, पीवीसी, टेफलोन, ये सब थर्मोप्लास्टिक के एग्जाम्पल्स हैं। इसके यूजेस क्या हो जाएंगे? फर्स्ट है पीवीसी। पीवीसी का यूज़ पाइप्स, रेनकोट्स और कंटेनर्स बनाने में किया जाता है। टेफलोन का यूज़ नॉन स्टिक यूटेंसिल्स, मतलब जिसमें खाना ना चिपके, ऐसे बर्तनों को बनाने में किया जाता है। पॉलीथीन का यूज़ पॉलीबैग्स बनाने में, बकेट्स वगैरह बनाने में किया जाता है, जैसे टॉयज, कॉम्ब, बकेट, बॉटल्स, ये सब क्या है? प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें हैं। नेक्स्ट टाइप है थर्मोसेटिंग। ये ऐसे प्लास्टिक्स होते हैं जिनको गर्म करने पर हार्ड हो जाते हैं और ठंडा करने पर ये सॉफ्ट हो जाते हैं, मतलब ये थर्मोप्लास्टिक से जस्ट अपोजिट होते हैं। इफ़ दे आर वंस मोल्डेड इन एनी शेप विथ देम, दे कैन नॉट बी मोल्डेड अगेन। इसका मतलब है इनकी शेप्स को हम बार बार चेंज नहीं कर सकते हैं, ना ही ये मेल्ट किए जा सकते हैं। जैसे फ्यूज़ वगैरह हैं, फ्यूज़ जिस प्लास्टिक से बना होता है उसको थर्मोसेटिंग कहते हैं, क्योंकि फ्यूज़ क्या है, उसको बार बार चेंज नहीं किया जा सकता। ड्यू टू क्रॉस बॉन्डिंग इन देयर स्ट्रक्चर दे आर इनसॉल्युबल एंड हीट रेसिस्ट। ये हीट रेसिस्टेंस होते हैं। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? बेकेलाइट और मेलामाइन। बेकेलाइट्स का यूज़ इलेक्ट्रिकल स्विच, हैंडल्स ऑफ वेरियस यूटेंसिल्स, मतलब हम जो घर पे बर्तन यूज़ करते हैं जैसे प्रेशर कुकर, कढ़ाई, इन सब के हैंडल बनाने में किया जाता है, और कार में जो बैटरीज यूज़ की जाती है वो बेकेलाइट से बनी होती है। नेक्स्ट है मेलामाइन। इट इज़ यूज्ड इन अनब्रेकेबल क्रॉकरी। ये ऐसे क्रॉकरीज को बनाने में यूज़ किया जाता है जो अनब्रेकेबल हो, मतलब जिनको तोड़ा ना जा सके। क्लोथ्स ऑफ फायर एक्सटिंग्यूशर आर कॉटेड विथ मेलामाइन सो दैट दे डू नॉट कैच फायर। जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, आग लगने से बचाने वाले जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनमें इसकी कॉटेड की जाती है, मतलब इसकी परत चढ़ाई जाती है जिससे आग ना लगे। तो हमने दो टाइप के प्लास्टिक देखे, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। जो थर्मोप्लास्टिक्स होते हैं वो मेल्ट हो जाते हैं, उनको बार बार इनकी शेप चेंज की जा सकती है, लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, एक बार जो शेप दे दी वही शेप रहती है उनकी, इनको मेल्ट नहीं किया जा सकता। इसलिए थर्मोसेटिंग्स का यूज़ मोस्टली स्विच वगैरह बनाने में किया जाता है। प्लास्टिक्स के कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये हीट और इलेक्ट्रिसिटी के बैड कंडक्टर होते हैं। दे आर नॉन रिएक्टिव, हाई रेसिस्टेंट टू हीट। और ये रिएक्टिव नहीं होते हैं, बहुत ही कम रिएक्शन होती है, और हाई रेसिस्टेंट होते हैं हीट के। बैड कंडक्टर कौन से होते हैं? जिनमें इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों ही फ्लो ना हो, मतलब कोई भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं, हम उनको गर्म करेंगे तो वो क्या होगी? जल जाएगी। लेकिन उनमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी पास होगी? नहीं होगी। जो प्लास्टिक्स होते हैं उनका वेट बहुत ही कम होता है। दे आर लेस एक्सपेंसिव और ये कॉस्ट में भी बहुत कम होते हैं।
कंपैरिजन टू मेटल्स, मेटल्स कितनी महंगी आती है और प्लास्टिक क्या होते हैं, लेस एक्सपेंसिव होते हैं। और यही रीज़न है कि प्लास्टिक का यूज़ लगातार बढ़ता जा रहा है। ये हार्मफुल है हमारे लिए, इनका कम यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट है यूजेज ऑफ प्लास्टिक्स, इन प्लास्टिक्स का हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले जो इलेक्ट्रिकल वायर्स हैं उन पर जो कवर होता है वो प्लास्टिक का होता है, क्योंकि ये आग लगने से बचाता है और इलेक्ट्रिकल करंट पास ना हो इसलिए भी ये इसका यूज़ किया जाता है। और किस में यूज़ किया जाता है, हैंडल ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, प्रेशर कुकर, फ्राई पैन, हैंडल ऑफ इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंट्स जैसे इलेक्ट्रिकल प्रेस है, इलेक्ट्रिकल केटल है, इन सब में भी यूज़ किया जाता है प्लास्टिक का। और वो प्लास्टिक कौन सा होता है, बेकेलाइट। आपने घरों में कितने सारे अलग अलग प्लास्टिक के कंटेनर देखे होंगे जिनमें हम अचार वगैरह रखते हैं, मसाला रखते हैं, या फिर लैब में ऐसे डिफरेंट टाइप के प्लास्टिक्स देखे होंगे जिनमें एसिड वगैरह को रखा जाता है। पाइप्स वगैरह बनाने में भी किसका यूज़ करते हैं, प्लास्टिक्स का यूज़ करते हैं। मेडिकल फील्ड में कैसे, जो मेडिसिन की पैकिंग होती है आपने देखा होगा कैप्सूल जो होता है उसके ऊपर जो पैकिंग होती है वो भी प्लास्टिक की होती है, वो स्टार्च से बनी होती है। जो सिरिंज वगैरह हैं, ग्लव्स हैं, थ्रेड्स हैं जो ऑपरेशन में यूज़ किए जाते हैं, ये सब किससे बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं। स्पेशल प्लास्टिक कंटेनर्स आर यूज टू कूल फूड इन माइक्रोवेव। आपने माइक्रोवेव ऑन देखा होगा, उसमें जो प्लास्टिक यूज़ किए जाते हैं वो अलग तरह के होते हैं। टेफ्लॉन कोटिंग इज़ डन ऑन नॉन स्टिक तवा एंड पैन। जो नॉन स्टिक तवा और पैन होते हैं जिन पर आसानी से कोई चीज़ जलती नहीं है, उन पर जो पेंट होता है वो टेफ्लॉन का होता है। टेफ्लॉन भी क्या, एक प्लास्टिक है। नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिक्स एंड एनवायरमेंट। प्लास्टिक इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे। आपने देखा होगा प्लास्टिक क्या है, लेस एक्सपेंसिव है, मतलब सस्ता है, तो लोग इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते रहते हैं, विच इज़ नॉट गुड फॉर आवर एनवायरमेंट। ये हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। क्यों, क्योंकि ये डिग्रेडेशन नहीं होता है, मतलब डिग्रेडेबल नहीं होता है, इसको हम ब्रेक डाउन नहीं कर पाते। ये सालों साल प्लास्टिक ऐसे ही पड़ा रहता है, इसका कुछ नहीं बिगड़ता। प्लास्टिक्स आर कॉजिंग हार्म टू आवर एनवायरमेंट एंड द मेजर कॉज इज नॉन बायोडिग्रेडेबल नेचर ऑफ प्लास्टिक। नेक्स्ट है नॉन बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स। ये एक ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनको नेचुरल प्रोसेस के थ्रू ब्रेक डाउन नहीं किया जा सके, वो बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स होते हैं। ये सालों साल तक ऐसे ही पड़े रहते हैं, इनका कुछ नहीं बिगड़ता। इन प्रेजेंट सिचुएशन प्लास्टिक इज वन ऑफ देम मेन रीज़न फॉर एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। और उससे क्या होता है, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन होता है, क्योंकि ये पड़े रहते हैं और वहाँ की जो ज़मीन है उसको ख़राब कर देते हैं, और अगर कोई गाय वगैरह है, कोई एनिमल्स हैं, इनको खा ले तो उनके पेट में जाके ये फंस जाते हैं, इसीलिए यहाँ प्लास्टिक्स बैन की कर दी गई है। डू नॉट यूज़ प्लास्टिक्स। हमें प्लास्टिक का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि वेरी हाई एनर्जी इज रिक्वायर फॉर बर्निंग द प्लास्टिक एंड पॉइजनस गैस लिबरेटेड इन द प्रोसेस विच पॉल्यूट द एनवायरमेंट। जब हम प्लास्टिक की चीज़ों को जलाते हैं तो इनको पहले तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, तब जाके ये जलते हैं, और जब ये जलते हैं तो इनसे पॉइजनस मतलब जहरीली गैसें निकलती हैं जो हमारे एनवायरमेंट में पॉल्यूशन फैलाती है, इसलिए हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। We should minimize the use of plastic as much as possible. हमें जितना हो सकता है उतना कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए। Waste should be collected separately as biodegradable and non-biodegradable. और क्या काम करना चाहिए, जो वेस्ट मटेरियल्स होते हैं जिनको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उनको सेपरेट तरीके से यूज़ किया जाना चाहिए, और जो नॉन बायोडिग्रेबल है उनको सेपरेट रखना चाहिए। प्लास्टिक जो है वो एनवायरमेंटल पॉल्यूशन फैलाती है, इसलिए ये ज़रूरी है कि हम उसका रिसाइकल कर लें, मतलब उसको दोबारा यूज़ कर लें, या फिर 4R वाला फॉर्मूला यूज़ करें। 4R वाला फॉर्मूला कौन सा है, फर्स्ट R है रेड्यूस, मतलब कम से कम यूज़ करना प्लास्टिक का। सेकंड है रीयूज, जैसे प्लास्टिक मटेरियल्स हैं उनका दोबारा यूज़ कर लेना, कोई उनसे कुछ अलग सामान बना लेना। तीसरे आर का मतलब क्या है, रिसाइकल, रिसाइकल देम अगेन एंड अगेन, बार बार इनको रिसाइकल कर सकते हैं। फोर्थ है रिकवर, इनको रिकवर भी किया जा सकता है। प्लास्टिक को पूरी तरह ख़त्म होने में 500 से 1000 साल लगते हैं, तो देख लो आप कितना
हार्मफुल है ये हमारे लिए। और समुद्र वगैरह में जैसे कचरा फैला देते हैं ना कुछ लोग, तो उनसे क्या होते हैं, बहुत सारे सी एनिमल्स या सी बर्ड्स ऐसे हैं जो प्लास्टिक के कारण मर जाते हैं, उनके गलों में या फिर पेट में फंस जाते हैं, और उनसे क्या निकलती है, गैस निकलती है जो हार्मफुल होती है। रुआंडा इज़ द फर्स्ट कंट्री टू बैन प्लास्टिक बैग। इस कंट्री में सबसे पहले प्लास्टिक बैग्स को बैन किया गया था। अब तो इंडिया में भी बैन हो गए हैं प्लास्टिक बैग। 50% ऑफ द प्लास्टिक वी यूज़, जितना भी हम प्लास्टिक यूज़ करते हैं उसका जो 50% है उनको हम सिर्फ एक बार यूज़ करके ही फेंक देते हैं। और आप क्या ये बात जानते हैं कि 1,60,000 प्लास्टिक बैग्स हर सेकंड अभी भी यूज़ किए जाते हैं, और उनमें से सिर्फ 1 से 3% जो प्लास्टिक बैग हैं उनका रिसाइकल किया जाता है। इसलिए हमें कम से कम प्लास्टिक का यूज़ करना चाहिए, और अगर यूज़ कर रहे हैं तो 4R वाला फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, रिसाइकल, रीयूज़, रिड्यूस और रिकवर वाला, जिससे हम एनवायरमेंटल पॉल्यूशन को कम कर सकें। अब हम फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। रेयॉन जो है उसको आर्टिफिशियल सिल्क कहा जाता है। मैट फ्रॉम वुड पल्प जिनको सेलुलोज कहा जाता है, ये सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं जो हमें प्लांट से मिलती है। अब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड कंफर्टेबल टू वियर, और क्या होता है ये अब्जॉर्ब करता है वाटर को और कंफर्टेबल होता है पहनने के लिए। सेकंड है नायलोन। नायलोन इज़ द फर्स्ट सिंथेटिक मैट एंटायरली फ्रॉम केमिकल्स। ये फर्स्ट फाइबर है जिसको मैनमेड बनाया गया है। मेड अप ऑफ कॉल, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर एंड वाटर। इसको किस किस से मिलकर बना है? कॉयल, पेट्रोलियम, ऑयल, एयर एंड वाटर से। ये स्ट्रॉन्ग होता है, इलास्टिक होता है, रिंकल रेस्टेंस होता है, और ये बहुत कम पानी को अब्जॉर्व करता है। नेक्स्ट है पॉलिस्टर। पॉलिस्टर इज़ मेड फ्रॉम मोनोमर कॉल्ड ईस्टर। ये ईस्टर से मिलकर बना होता है और ये पेट्रोलियम से मैन्युफैक्चर किया जाता है, और इसका यूज़ बताया ही था। ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, केमिकल रेजिस्टेंस होते हैं, रिंकल रेजिस्टेंस होते हैं, और इनको हम आसानी से यूज़ कर सकते हैं। और हमने पढ़ा कि कॉटन इज़ ए नेचुरल फैब्रिक और रेयॉन इज़ ए सिंथेटिक फैब्रिक। सिंथेटिक फाइबर्स में हमने नायलॉन, पॉलिस्टर के बारे में पढ़ा, और हमने पढ़ा कि नेचुरल फाइबर्स को नेचर से प्राप्त किया जाता है, जैसे प्लांट्स और एनिमल्स से, जैसे कॉटन, वूल, सिल्क, ये नेचुरल फाइबर्स होते हैं, और सिंथेटिक फाइबर्स आर्टिफिशियल फाइबर्स होते हैं जिनको बनाया जाता है, जैसे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। उम्मीद है आपको वीडियो से अच्छे तरह से समझ में आया होगा कि हम सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक्स किसको कह रहे हैं।